परगास बुद्ध परगास भाई मत पूरी बुद्ध परगास भाई मत ताते बिनसी ताते बिनसी दुर्मत दूरी ताते बिनसी मार्ग दिखा
माया ऐसी गुरमत पाई रे, ऐसी गुरमत पाई ताप कछ उगत न भरी जाप ताप कछ उगत न
करो कृपा परम चूकई मैं सुमत देहो समझाए मैं सुमत देहो समझाए मलन भई मत माधवा आज द सब्जेक्ट पिछले सब्जेक्ट तो अगे तुरना चाहना पिछली बार ये सवाल स्पष्ट होया सी कि सिख ते गुरु दा रिश्ता पिता पुत्र वाला है ओ उस दी हर तरह प्रतिपालना रखिया भी करदा ते पिता दे सारी विरासत दा विरसा भी वारस बन के पुत्र संभालदा है उनका हक बन जाता है ते गुरु ने एक गल पिछली बार स्पष्ट कीती सी कि सिख रूप पुत्र बनन लई मां दा पार्ट मत कर दे मां मत विच्चों सिख जन्म लैंदा है सतगुरु की जिसनू मत आवे दा मसला सी ते नाल ये भी सवाल खड़ा कीता सी कि जे मां मत कुराए पै जाए विचारण हो जाए तो उन्दे विच्चों जन्म लैन वाला पुत्र पिता दा पुत्र नहीं खवांदा पिता दा नाम खत्म हो जाता है गुरबाणी ने स्पष्ट कीता सी यो वेसवा के घर बेटा जन्मया पिता ता है क्या नाम सदैया फिर ओ पिता दी विरासत दा वारस भी नहीं बन सकना उनका संबंध ही खत्म हो जाता है पिता दी विरासत दा ओ पिता दा पुत्र नहीं अखवांदा इसे तरह जे मातरूप मां कुराए पै जाए एक मालिक दी ना बन के रहे एक क्यों कारण नाल संबंध टूट जाए ऐसे मत विच्चों जन्म लैन वाला पुत्र सिख नहीं गुरु दा सिख नहीं अखवा सकता उन्दे नाल गुरु दा नाम नहीं जुड़दा क्योंकि गुरु दे संबंध विच ताए कै इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार जे मत एक दी ना बन सकी थां थां तो मत लैंदा फिरिया ते उन्दे विच्चों जन्म लैन वाला पुत्र गुरु दा सिख नहीं अखवा सकदा मसला ए सी हुण मसला ए है कि मत एक तरह दी नहीं जीवन अंदर मत दे बहुत सारे रूप ने ऐसी गुरमत दा लफज जेड़ा है ऐसी हमेशा उत्थे सवाल हुंदा जिथे कैसी भी हो सके एक ना होवे बहुत ही मतां होण उन्दे विच्चों आपां चोण करने आ आखने आ ऐसी मत दी जाए मेरे ठाकर सा मत देहो दयाल प्रभु मैनू वो मत दे इहदा मतलब मतां बहुतियां ने और है भी जिन्ने कॉलेज यूनिवर्सिटियां स्कूल ने सारे उत्थे लाइना ला के खलोते हुए स्टूडेंट विद्यार्थी
ਮਤ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੈਸੀ ਮਤ ਆਵੇ ਉਹ ਜਾਂ ਬਣੇਗਾ ਡਾਕੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਬਣੇਗਾ ਚੋਰ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਬਣੇਗਾ ਧਰਮੀ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਅਤੇ ਦੁਰਮਤ ਇਹ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੁਰਮਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਮਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਮਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਤ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਕਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੈ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਤੀਆ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਕਰ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੁਰਮਤ ਛੱਡਦੇ ਆ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਮਤ ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਂ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਇੱਕ ਪੱਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਮਤ ਗਹੀ ਜੈ ਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਜੈ ਦੇਵ ਕੋਲ ਆਈ ਹੁਣ ਉਹ ਜੈ ਦੇਵ ਦੀ ਮਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੈ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਵਈਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੋਗੇਨ ਕਿੰਗ ਜਗੇਨ ਕਿੰਗ ਦਾਨੇਨ ਕਿੰਗ ਤਪਸਾ ਜੋਗ ਜੋਗ ਜਗ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਸਭ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਨੇ ਜੋਗੇਨ ਕਿੰਗ ਕੀ ਹਨ ਜੋਗ ਕਰਨੇ ਜਗੇਨ ਕਿੰਗ ਕੀ ਹਨ ਜਗ ਕਰਨੇ ਦਾਨੇਨ ਕਿੰਗ ਕੀ ਹਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੱਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਜੈਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਜਲ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਤ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈ ਜੈ ਮਤ ਗਈ ਜੈਦੇਵ ਜੈ ਮਤ ਨਾਮੇ ਸਮਾਣੀ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਲਈ
जेड़ी मत नामे नामदेव ने लई है। जय मत त्रिलोचन चित, जेड़ी मत त्रिलोचन दे चित विच हिरदे विच आई है, जेड़ी मत उन्हें लई है। जय मत कबीर है समाणी, जेड़ी मत कबीर को लई है। मत दी चोण कर दिती गुरबाणी ने, क्योंकि सवाल मत दा अज पैदा हो गया सी। गुरु ने आख दिता सी जैसी मत दे त्यासा प्रकाश, सिख बनवा च वास्ते भी मत दी लोड़ है। ते मत केड़ी चाहिदी है? कहन लगे कुंगू की काया रत्ना की ललता, अगर वास तन सास अठ सठ तीर्थ का मुख टिक्का, तित घट मत विगास। ते कहन लगे ओत मत्ती सलाहना सच नाम गुणदास। उस मत नाल प्रवान हुंदा है। कहन लगे बाबा होर मत होर जे बड़िया मत्तां ने, होर भी मत्तां दी गिनती बहुत वड्डी है। बाबा होर मत होर जे सौ वेर कमाईए, होर मत्तां नाल एक वार नहीं दो वार नहीं सौ वार तू कमाई कर लै, तां उस विच्चों कूड़ी निकलेगा सच नहीं निकलेगा। बाणी दे फैसले ने बाबा होर मत होर जे सौ वेर कमाईए कूड़े कूड़ा जोर। इसलिए मत लैन लग्या बड़े ध्यान नाल फैसला करी, हर मत प्रभु नूं पाउंदी नहीं, क्योंकि वक्खरे वक्खरे सब्जेक्ट ने। सिक्खी भी एक सब्जेक्ट है जिहड़ा मत विचों पैदा होना है। पर मैं इत्थे एक गल ते होर रुकां जिहड़ी गुरबाणी ने स्पष्ट कीती है कि जिन्ने सब्जेक्ट ने उन्हां दी वैल्यू अपनी है, वैल्यू अपनी। ते जिस सब्जेक्ट दी वैल्यू ज्यादा है उनकी फीस भी ज्यादा है। हर स्टूडेंट हर विद्यार्थी उनके विच दाखला नहीं ले सकता। कई तो बेचारे मजबूर होकर छड़ ही जाते ने, मैं इन्नी फीस नहीं दे सकता। गुरु ने आखिया है सिख होण दी फीस की है। पहला मनुख जो भी सब्जेक्ट चुनता है उदों यह ध्यान दिता है भी मैं इस सब्जेक्ट पढ़ सकांगा, मेरे को इन्नी तौफीक है। माँ बाप भी सोचता इन्हें को इन्नी तौफीक है। हुण सिख बनन की जिहड़ी मत लैनी है, उस मत की जिहड़ी फीस है वह भी सानू जान लेनी चाहिए। सब तो वड्डी परेशानी अज दे युग अंदर यह होई होई है कि साढ़े कोल ओ फीस ही नहीं, असी ओ फीस ही नहीं तार सकते। पहले ही डर जाने सिख बनते ही नहीं। अज सिखी की घाट की है, अज सिखी की घाट की है। इंदे लई सानू जरूरी समझ लेना है कि सिख बनन लई केड़ी मत दी लोड़ है, उंदी फीस की है। सतगुरु कोलों पुछिए, सब गल दा जवाब बाणी विच गुरु कहिंदे ने, गुर की मत तू ले आने। बच्चे आ गुरु दी मत लै ताकि तू सिख बन सके। पर एक ख्याल करी, पहला मन बना कि तू ये फीस दे सकेगा। गुरु ने आखिया पूरा सतगुरु भेटिया जे पूरा गुरु मत देन वाला जिंदे कोलो मत लेनी है उंदी मत दा इम्तिहान पास कर लईए पूरी होवे जुगत। पर इस सारियां गल्लां लई
एक गल मन विच बना कि उंदी फीस दा तैनू पता होवे। किसनू सिर सौंपिया हाँ मन अर्पी सब तन अर्पी लाफीस है गुरु को हाँ मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हाँ सिर अर्पी इसलू सिर सौंपी है आ दुकान थे मैं एक बार किसी सिर सौंपना की है सिर विच है मैं मत मैगल मिकदारा सिर विच है मैं मत मनुख दी मत सिर विच है जदों कोई मनुख दी मत ना रहे ना मत काम ना करे तो फिर कहने दा सिर काम नहीं करदा। ते मैं अर्ज कीती सी जदों अपनी मत्था टेकने ना उनका प्रतीक की है सिर मत्था टेकन लग्या आखी दा अंदरों गुरु कहंदे ने ए आख कि हे मेरे गुरु मैं अपनी मत तेरी भेंट कर रहा। गुरु ने बाणी भी चख्या मन की मत त्यागो हर जन एक मन दी मत है एक गुरु दी मत है कोई मत त्यागेगा कढ़ेगा मन विचो सिर विचो तां दूजी मत चिकेगी ना आखिर सिर विच तो एको ही मत चिकनी है। गुरु ने बाणी विच आख दिता कहन लगी मन की मत त्यागी है मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश लो उपदेश जो दिता सतगुरु ने शब्द पढ़े जा रहे थे पहली उनकी क्रिया है सुनना शब्द सी गुरु उपदेश करे उपदेश जो दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने ते अगली लाइन सी जिन सतगुरु का पाणा मन्निया उथे सुनिया तो अगे मन्निया आ गया सी क्योंकि सिर्फ सुनना ही सब कुछ नहीं मन लेना भी बहुत कुछ है। अगली क्रिया मन लेना है सतगुरु ने बाणी विच बहुत गल्लां की कहन लगे सतगुरु को सब को देखदा जेता जगत संसार डिठे मुक्त ना हो वही क्योंकि सुनदा भी है बाणी जो आउंदा कीर्तन नूं सुन के चला जांदा मनदा नहीं समझ भी आ जांदी कई बार पर अगली गल जिहड़ी हुंदी है ना मननी हां हां मन अर्पी सब तन परि हां सिर अर्पी दा जिहड़ा मसला उह पूरा नहीं हुंदा बल्कि गुरु ने तो एक थां ते बड़ी खूबसूरत गल आखी कहन लगे कई जे तेरों सिर अर्पण नाल उंदे बदले विच गुरु दी मत मिलदी होवे रब नाल जुड़न दी मत मिलदी होवे ता इहनू देर ना लाई नुकसान नहीं गुरबाणी है। कहन लगे गौरव करी कि मैं सिर वेच दिता है। कई बार हुंदा है कि मनुख नुकसान नाल घाटे नाल कोई चीज वेचे ना तो बाद विच पछताउंदा रह जांदा है कि मैं तो बड़ा घाटा खादा है बड़ा नुकसान कीता है मेरी चीज बड़ी कीमती सी मैनू पूरा मुल नहीं मिलिया परेशानी होती। पर जे कोई चीज ऐसी बेचे जिंदा अंदाजे तो ज्यादा मुल मिल जाए
सोचा भी ना हो कि मैनू इन्ना मुल मिल जाएगा, अंदाजे तो ज्यादा मुल मिल जाए। तो फिर बड़ा खुश होंदा है, गौरव करता, कहता मैं बड़ा महंगा मिल, बड़ा महंगा अपनी वस्तु बेची है। तो गुरु ने पानी कह दिता, कह लगे जे तू हों मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब देसा हों सिर अर्पी ते समीत प्यारे, जे जे सिर भी वेचे सदगुरु ने हमरी जात पात गुर सतगुर हम बेचियो सिर गुर कै। कहन लगे मैं अपना सिर गुरु अगे बेचिया है, पर मैनू गौरव है जेड़ा बदले विच मैनू जो कुछ मिले वो उस हिसाब नाल मैनू गौरव है कि मैं सस्ता नहीं बेचिया। गुरबाणी दी तुकाने सतगुरु कहन लगे कि मैं बेचिया है, मैं मन तन अर्प धरों गुर आगे। अगली अद्धी लाइन पढ़ो, हों मन तन अर्प धरों गुर आगे सिर बेच लियो मुल महंगा। गुरबाणी दी तुक है, कहिंदा मैं सिर बेचिया अगे जाके रखिया सी जी, इहदे विच मेरी अपनी मत है, ये कढ लै लै लै, ते इस सिर विच तू अपनी मत रख दे। आलो अज साडा गुरु नाल रिश्ता क्यों नहीं बन रहा, सिख अखी अखवाई जाने, शर्तां पूरियां नहीं करते, साढ़े कोल तां फीस ही है नहीं। असी आखने आ असी अपनी मत छड ही नहीं सकते, बाबा तेरी मत में अंदर टिके। अज की है ये सिख रहत मर्यादा जिहड़ी असी बनाई है असी उंदे ते चलांगे, जिहड़ी तू सानू 200 वर विच लिख के दित्ती साढ़े सामने दरम्यान श्री गुरु ग्रंथ साहब के रूप में, वह सानू परवाह नहीं। सौदा किवें हुए, सिख किवें बने, गुरु ने बाणी विच आख्या। कहन लगे भलिया जिस दिन तेनू गुरु की मत मिले ना ते मिलेगी ता ही जिस दिन तू सिर वेचेगा तेनू गौरव होएगा कि मैं मन तन अर्प धरों गुर आगे सिर वेच लियो मुल महंगा। गौरव होवे कि मैनू जड़ी गुरु की मत मिल गई है ना, बड़े महंगे मुल मेरा सिर विक है, नहीं तो मेरे सिर में की सी मन की मत जड़ी निकम्मी सी जड़ी दुर्मत सी, ते दुरमत दे कारण मेरे अंदर सतगुरु ने बाणी दुरमत का भी एक दृश्य खिंचया एक थां ते, कहिंदे ने नित नेफल करम कमाए बफावे दुरमतिया। दुरमति की निशानी की है, ओ नेफल बिना मकसद जिन्हां का कोई फायदा नहीं, झूठे किस्म दे करम कमाउंदा है ते कम करके अजीब गल है फिर हंकार करदा, मैं कम कर मेरे वर्गे कर्म कोई नहीं करदा। नित नेफल करम कमाए बफावे दुरमतिया। अगले पासे कहंदे जब आने बलवंच कर झूठ, संसार अंदर झूठे दावे करके झूठियां गल्लां करके लोगों नू ठग के जदों बहुत सारी दौलत लियाउंदा है ना ते हंकार करदा है, ये कहंदा भी मेरे वर्गा सियाणा कोई नहीं, मैं तो दुनिया नू मूर्ख बना लिया, ये कहंदा मैं जग जित्तिया, उंदे विच ही अपनी जित समझदा। गुरबाणी अंदर हर गल दा स्वरूप बड़ी सुंदर खिंचिया, कहते नित नेफल करम कमावे बफावे दुरमतिया, जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जुतिया। फिर समझदा मैं संसार नू मूर्ख बना गया, पर गुरु कहते ने पढ़िया दुतिया दुरमत दूर कर, दुरमत सिर विचों कढ तां गुरमत आवेगी, ते गुरमत नूं अंदर वसाण लई दुरमत अंदरों कढ़न लई तैनू सिर गुरु दे हवाले करना पएगा, इहदा नाम मत्था टेकना है अंदर। गुरु ने बाणी विच आख्या, कहन लगे कह कबीर बुद्ध हर लई मेरी, बुद्ध बदली
सिद्ध पाए। जदों मैं गुरु अगे अपनी बुद्ध अपनी मत रखी, उन्हें मेरी मत अंदरों काढ लई ते बुद्ध बदल दित्ती, मत बदल दित्ती, अपनी मत अंदर टिका दित्ती। बस एहो ही मेरी सफलता सी। कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई, ते गुरु ने भी इसे ही सौदे ते इसे ही प्राप्ति ते मोर लगाई, ते आख्या कहन लगे ऐसी गुरमत पाई अले ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त घर अंधकूप में जड़ा तू और अंधेरे खूह विच डुब रहा सी, तैनू कोई राह नहीं सी दिसदा, तैनू कोई किनारा नहीं सी लभदा, तैनू जीवन दी कोई मंजिल नहीं सी दिस रही, दिन रात परेशान सै। कहन लगे जिस दिन तू ये गुरमत प्राप्त कर ली, उस दिन तू इस अंधे खूह विचों निकल आवेगा। सिखी दे सौदे लई प्राप्ति लई अपनी मत अपना जिथे तन मन धन सब सौंप गुर को हुकम मन्ने पाई है ना, उथे सिर भाव मत भी समर्पण करनी पैनी है, छड़नी पैनी है, त्यागनी पैनी है। जिहड़ी असी नहीं त्याग रहे ते ये महसूस कर रहे हैं कि सानू ये फीस देनी औखी है, असी अपनी मत नहीं छड़ सकते। रात मर्यादा वो जिहड़ी असी बनाईए, नियम साढ़े सिखी दे ओ जिहड़े सिख दा स्वरूप सिख दी मर्यादा आ बाणा पाउणा है, आ बोलना है, आ बाणी पढ़नी है, इहो जिहा अमृत छकना है। ये फैसले साढ़े नहीं, गुरु कौन हुंदा सानू आखण वाला? जिहड़ा गुरु आख रिहा है अमृत बचन सतगुरु की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। असी फैसले अपने ही आयद करने हैं, इसलिए साडा गुरु नाल सिख ते गुरु दा संबंध नहीं कायम हो रहा। और एहो कारण है कि गुरु फिर असी आख दिंदे हां साडा रखवाला नहीं बनदा। पर यो नहीं, तुसी उस दे वारस बनन दे लायक नहीं बन रहे। जिस दिन असी उस दे पुत्र बनांगे, साड़ी मत गुरु चरणा नाल जुड़ जाएगी, उस दिन विश्वास करो, जिस दिन अपना सब कुछ समर्पण सिर समर्पण करांगे ते गौरव करांगे, सिखी प्राप्ति जिहड़ी है सिर वेच लई ओ मुल महंगा। मैं तां सिर ओ वेचिआ जिंदे विच मैनू शायर दी तुक याद आई, उन्हें बड़ी खूबसूरत गल आखी, कहिंदा सिर लहू की तुमड़ी हर हीरियां की खान, सिर लहू की तुमड़ी हर हीरियां की खान। आखे जे सिर दित्ते हर मेरे
ਹਾਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤਾ ਜਾਣ, ਬੜਾ ਸੌਗਾ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਮਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।